हेलो गाइस, वेलकम टू गोल्डन थ्योरम। आज हम करेंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं 4 जनवरी के लिए। ये करेंट अफेयर्स आपके एसएससी, बैंकिंग एंड रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने इस वीडियो में एक चीज़ किया है, जितने भी बैंकिंग एंड रेगुलेटरी बॉडीज के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं लेकिन वो एसएससी में नहीं आते हैं, उनको मैंने लास्ट में रखा है ताकि जो एसएससी के एग्जाम के एसएससी एस्पायरेंट्स हैं वो अपना टाइम सेव कर सके। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़। तो हमारा फर्स्ट न्यूज़ है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो इसमें हमारी गवर्नमेंट ने बताया है कि 50 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और 43 नए प्रोजेक्ट सेंक्शन किए गए हैं, जिसके लिए टोटल अमाउंट जो सेंक्शन किया गया है वो हमारा 2000 करोड़ रुपीज सेंक्शन किया गया है। और इसके अलावा जल शक्ति मिनिस्ट्री ने यह भी बताया है कि वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप ऑफ यूएन डिकेड के टॉप 10 इनिशिएटिव में से एक एनएमसीजी है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने यह भी बताया है कि 176 सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको सेंक्शन किया गया है, जिसमें 5000 मिलियन लीटर्स पर डे ट्रीटमेंट कैपेसिटी जिनकी होगी और 5000 किलोमीटर सीवर नेटवर्क जो है वो अभी तक बन चुका है। आपको पता है एनएमसीजी कब आया था? ये आया था हमारा 2014 में, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ना एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। जैसा कि इसका नाम बताता है, ये किस दो पर्पसेस से है, एक तो है ये पॉल्यूशन कम करने के लिए, सेकेंड है गंगा जो है उनको दोबारा से रेज्यूमिनेट करने के लिए और उनको कंजर्व करने के लिए। ओके, तो गंगा को ना हमारा नेशनल रिवर भी माना गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड। तो आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म किससे रिलेटेड होता है। एक्चुअली ये जो लोग होते हैं ना, ये बिलीव करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन लोगों को खराब कर रहे हैं। यूजुअली पहले क्या होता था ना, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने ट्राइबल लोग जो थे उनको बहुत ज्यादा ही मोलेस्ट किया था, जिसकी वजह से ये लोग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के धीरे धीरे अगेंस्ट होने लग गए। तो आपने नक्सलिज्म वगैरह के बारे में काफी ज्यादा सुना होगा, तो ये उन्हीं से रिलेटेड सारा का सारा आता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में। तो इसके से रिलेटेड जो वायलेंस है इंडिया में वो काफी ज्यादा कम हुआ है। तो गवर्नमेंट बता रही है कि 2009 में जब 2258 इंसिडेंट्स रिकॉर्ड हुए थे, लेकिन अगर वही हम 21 की बात कर रहे हैं तो 509 ही इंसिडेंट्स आए हैं। तो 509 भी काफी ज्यादा है, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो 77% कम हो गया है। इसके अलावा जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और जो सिविलियंस का डेथ होता है वो भी 85% कम हुआ है, जो कि 1005 था 2010 में और 147 रह गया है अब 2021 में। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री ने ये भी बताया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पर जब से आर्टिकल 370 को हमने अबॉलिश किया है तब से 56,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसके अलावा आपको पता ही होगा गुजर बकरवाल एंड पहाड़ी कम्युनिटी जो है इनको गवर्नमेंट बात कर रही है एसटी का एक स्टेटस देने के लिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी उन्होंने बोला है कि इसके थ्रू इनको एजुकेशन में, इलेक्शंस में, जॉब में, इन सभी में रिजर्वेशन भी मिलेगा। ओके, इसके अलावा जो हमारे नंबर ऑफ टेरर इंसिडेंट्स हैं वो भी काफी कम हुए हैं, जो कि 417 थे हमारे 2018 में, अब वो कितने बचे हैं, 229 बचे हैं 2021 में। इसके अलावा जो हमारे शहीद लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनका भी नंबर काफी कम हुआ है, विच इज 91 इन 2018 और अब 42 हो गया है। तो अगर इतने लोग मर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया जो है वो कॉन्टिन्यूसली एक वॉर लड़ रही है। हम लोग ऐसा बोलते नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि इंडिया इज कॉन्टिन्यूसली ऑन वॉर। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी सावित्री बाई फूले जी के ऊपर। तो सावित्री बाई फूले जी जो है उनको इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर इन मॉडर्न इंडिया माना जाता है। आपको पता है सावित्री बाई फूले जो है उनका जन्म हुआ था एक छोटा सा गांव है महाराष्ट्र में, नाई गांव, उसमें। और जब वो 9 साल की थी ना तो उनका ज्योतिबाई फूले से शादी हो गया। जब उन्होंने देखा कि इनको पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक है तो ज्योतिराव फूले ने इनको अपने आप से ही सारा अच्छे से पढ़ाया, और उसके बाद में इन्होंने टीचर्स का ट्रेनिंग लिया और एक क्वालिफाइड टीचर बन गई 1847 में। उस टाइम पर टीचर बनना वो भी एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ओके, इसके बाद में सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा राव फूले ने मिलकर एक स्कूल भी खोला था। इसके अलावा इन्होंने एक सत्यशोधक समाज भी स्टैब्लिश किया था। जो लोग एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं ना उनके लिए ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक भी है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे जब भी न्यूज में है तो एसएससी के जो मेन्स में जीए में ये एक इंपॉर्टेंट उनके लिए हो जाता है।
इसके अलावा भी और थोड़ी सी चीजें इसमें दे रखी हैं, लेकिन हम बस इतना ही याद रखेंगे इनके बारे में। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। हाल ही में ब्राजील के एक प्लेयर थे, फुटबॉल प्लेयर, जिनको पहले मतलब इनका नाम है और इनका डेथ हो गया, ठीक है। तो इनको होमेज पे किया काफी लोगों ने, हजारों लोगों ने। ये 20th सेंचुरी में गेम खेला करते थे, इन्हें किंग ऑफ सॉकर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन से रिलेटेड। तो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की जो हमारी चेयरमैनशिप है वो मिल गई है इंडिया को, और इसमें एक इलेक्शन हुआ था जिसे इंडिया ने जीत लिया है, और डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह जो हैं वो अब इसके सेक्रेटरी जनरल बनेंगे, वो भी 4 साल के लिए। ओके, इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बैंकॉक थाईलैंड में, और ये एक 32 मेंबर्स का ऑर्गेनाइजेशन है। आजकल आरबीआई वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं या बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पूछ लेते हैं कि कितने मेंबर्स हैं सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन के, तो याद रखिएगा 32 मेंबर्स का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, इसके अलावा इसका अगर हम गोल की बात करें, टू एक्सटेंड, फैसिलिटेट एंड इम्प्रूव पोस्टल रिलेशंस बिटवीन मेंबर कंट्रीज, वो तो आपको इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारा है सुहेल समीर से रिलेटेड। तो आपने सुना ही होगा अश्विनी ग्रोवर के बारे में, जिन लोगों ने ज्यादा नहीं सुना है, अगर शार्क टैंक उन्होंने देखा होगा तो उसमें जज थे अश्विनी ग्रोवर, वो भारत पे के को फाउंडर थे। ओके, तो उनको अभी थोड़े टाइम पहले निकाल दिया गया था। उनकी एक बुक भी है, कोई मुझे नाम बता सकता है उनका? आप कमेंट सेक्शन में नाम बताएं उनका। तो उनके अलावा सुहेल समीर जो है वो भी भारत पे के सीईओ थे, लेकिन अब उन्होंने रिजाइन कर दिया इस पोस्ट से। इसके अलावा नलिन नेगी जो है उनको इंटरिम सीईओ बनाया गया है, और भारत पे ने बोला है कि वो लोग अभी जो न्यू सीएम है उनको ढूंढ रहे हैं, एंड टिल दैट टाइम इंटरिम लीडर जो है वो नलिन नेगी रहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी अग्निपथ स्कीम के बारे में, जिसके बारे में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बात की है। तो उनका कहना है कि अग्निपथ जो है वो गेम चेंजर स्कीम रहेगी। अभी लास्ट ईयर तो अग्निपथ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रही है। ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इसमें बोला गया कि 17.5 ईयर्स से लेकर 21 ईयर्स के लोग ही एग्जाम्स जो होते हैं डिफेंस से रिलेटेड उसमें अपेयर कर सकते हैं। दो उसके बाद में उसको एक्सटेंड करके 23 कर दिया गया था एज को, तो सबसे पहले तो वो इसी के लिए इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा इसमें एक और क्लॉज था कि आफ्टर 4 ईयर्स 25% लोग ही होंगे जिनको सर्विसेज में रखा जाएगा, और जो बाकी लोग होंगे वो लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। ओके, चलिए तो इसके आगे आ जाते हैं हम। तो अग्निपथ के बारे में इन्होंने बात की, इसके अलावा कुछ MOUs भी साइन हुए हैं जो अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड हैं। तो किस किस ने साइन किए हैं? इसमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने किए हैं। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि जब वो लोग आर्म फोर्सेस में सर्व कर रहे होंगे उस टाइम पर उनको एजुकेशन भी दी जाएगी एंड अप्रोप्रिएट स्किल्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो उसी से रिलेटेड उन्होंने ये MOU साइन किया है तीनों मिनिस्ट्रीज ने मिलकर। इसके अलावा इन MOUs में जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व हैं वो हैं NIOS एंड IGNOU, ओके, जो कि 12th क्लास के सर्टिफिकेट्स और बैचलर डिग्री के सर्टिफिकेट्स हमें प्रोवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी गानगाई फेस्टिवल, जो कि मणिपुर में होता है, ओके, एंड ये ज़िलियान ग्रोंग कम्युनिटी है मणिपुर की। नाम याद रखिएगा आप एक बार, ऐसा पेपर में आ सकते हैं कि सुएंसो कम्युनिटी कौन से स्टेट से बिलोंग करती है या फिर ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो गानगाई फेस्टिवल जो है हमारा वो मणिपुर में मनाया जाता है, एंड ये किससे रिलेटेड है? ये है इनका सेलिब्रेट, जब इनका हार्वेस्टिंग हो जाता है तो जो क्रॉप होती है वो ये लोग अपने भगवान पर चढ़ाते हैं, ओके, ताकि एक प्रॉस्परस लाइफ उन्हें कमिंग ईयर में मिले। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है हमारी राइनो कंजर्वेशन के ऊपर। तो हाल ही में जो असम के CM हैं उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि अब असम में 0 पोचिंग इंसिडेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं 2022 में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसी चीज़ को, एफर्ट्स को जो है तारीफ की है उनकी। अभी इसके अलावा आपको पता ही होगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, ओके। तो काजीरंगा नेशनल पार्क किधर है? असम में। ये एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अच्छा, इसमें इन्होंने बताया है कि अब ये 2006
613 राइनोस का के लिए घर बन चुका है, ओके। और ये जो नंबर है ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। 2021 में कितने इंसिडेंट्स शो किए हैं, जो सबसे कम थे सिर्फ एक, ठीक है। इसके अलावा 2013 और 14 में हम देखें तो 27 राइनोस जो थे उन्हें मारा गया था। आपको पता है अभी 2022 में जो असम के सीएम हैं उन्होंने मोर देन 2000 वन हॉर्न राइनोस के जो हॉर्न्स थे उनको बर्न किया था पब्लिकली, ये बताने के लिए कि पोचिंग के इंसिडेंट्स को वो अपने स्टेट में नहीं होने देंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ में आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ है, हमारे यूपी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे MOUs साइन किए हैं जो कि वैल्यू है जिनका 18,590 करोड़ रुपीज़ विद UAE बेस्ड कंपनीज, ओके। अभी हाल ही में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है लखनऊ में, तो वहाँ पर ये कंपनीज ने जो है क्या इन्वेस्ट किया है, ओके। इसके अलावा एक लॉजिस्टिक पार्क के बारे में बात हुआ है जहाँ पर शराफ ग्रुप एंड हिंदुस्तान पोर्ट जो है इन्वेस्ट करेंगे। एंड थोड़ा सा डेटा है जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप UPPCS या UP से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इस डेटा को याद कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, राजनाथ सिंह जी ने कुछ प्रोजेक्ट्स अभी इनॉग्रेट किए हैं अरुणाचल प्रदेश में, ओके। तो एक सियोम ब्रिज है, आप याद रखिएगा अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सियोम ब्रिज कहाँ पर है तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश में है, ओके। तो यहाँ पर इन्होंने 28 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हैं और वो आता है तुम्हारा आपका 724 करोड़ का जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट हुआ है, ओके। इसके अलावा इसमें आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आए हैं किधर किधर, ये थोड़ा सा डेटा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है मुर्मू जी वो जयपुर में गई हैं 2 दिन के विजिट के लिए, तो वहाँ पर ही उन्होंने कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनॉग्रेट किए हैं, जिसमें से एक तो है संविधान उद्यान, ठीक है, एक मयूर स्तंभ है, एक नेशनल फ्लैग पोस्ट, स्टैचूज ऑफ महात्मा गांधी एंड महाराणा प्रताप एट राजभवन जयपुर, ओके। इसके अलावा इन्होंने वर्चुअली एक ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर सोलार एनर्जी जोन्स इन राजस्थान भी इनॉग्रेट किया है और 1000 मेगावाट बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट भी इन्होंने इनॉग्रेट किया है, ओके। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आ जाते हैं। अभी सिंगापुर में सबसे ज़्यादा जो हमारे वो आते हैं टूरिस्ट आते हैं वो आते हैं इंडोनेशिया से, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड नंबर है वो हो गया है इंडियन टूरिस्ट का, जो पहले हुआ करता था चाइना का, लेकिन अभी चाइना में आज आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा कोविड फैल रहा है, तो इंडियन टूरिस्ट जो है वो अभी सेकंड नंबर पर आ चुके हैं। इस न्यूज़ में बस यही सारा डेटा दिया हुआ है, ओके। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ में आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो NTPC लिमिटेड कमीशन ने अभी सबसे पहले NTPC ने अभी इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट जो है उसे कमीशन किया है, ओके। कहाँ पर किया है इन्होंने, ये किया है इन्होंने NTPC कवर्स टाउनशिप जो कि हमारी सूरत में है, ओके। तो इसमें ये लोग क्या करेंगे, इसमें ये पाइप्ड नेचुरल गैस जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ओके, ग्रीन हाइड्रोजन के साथ ब्लेंड करके। इसके अलावा हम नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाते हैं। ये न्यूज़ है हमारा PM गति शक्ति से रिलेटेड, तो हाल ही में मिनिस्टर गोयल जो है हमारे कॉमर्स इंडस्ट्री के, उन्होंने पीयूष गोयल उन्होंने PM गति शक्ति को रिव्यू किया है, ओके। तो चलिए पहले हम PM गति शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। PM गति शक्ति जो है वो लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2021 में, ओके। इसका मेन पर्पस क्या था ना, इसका मेन पर्पस है इंफ्रास्ट्रक्चर को, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को कोऑर्डिनेट करना और उनको प्लान करना, ओके। इसके लिए ना 16 मिनिस्ट्रीज को एक साथ लेकर आई है गवर्नमेंट, जिसमें कि रेलवेज, रोडवेज, ये सारी मिनिस्ट्रीज भी हमारी इंक्लूडेड हैं, ओके। तो इसमें क्या करेंगे ना, इसमें दे विल बी फैसिलिटेटिंग द लास्ट माइल कनेक्टिविटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और इससे ट्रैवल टाइम जो होगा लोगों का वो भी कम किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, DPIIT कंसिडरिंग क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स फॉर एयर कूलर्स, बाइसिकल्स, बॉटल्ड वाटर डिस्पेंसरीज। तो DPIIT ने क्या अभी थोड़ा टाइम पहले WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग एक ड्राफ्ट बनाया है, जिसमें इसने बोला है कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये अब हम प्रोड्यूस, सोल और सेल, बेसिकली हम लोग इनको खरीद, बेच या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं अनलेस अंटिल दे बियर द BIS मार्क, ओके। तो इसके लिए इन्होंने एक ड्राफ्ट रूल निकाला है। चलिए
इसमें कौन कौन से आइटम्स आ जाते हैं, वो 16 आइटम्स का आप एक बार नाम पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें उसमें बोला गया है कि हमारे जो फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज हैं उनको इंडियन गवर्नमेंट बाय $17 बिलियन कट करने का प्लान कर रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो काफ़ी बढ़ गया है आफ्टर COVID-19 पैंडेमिक। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि जो उनकी सब्सिडीज हैं जो कि 3.7 ट्रिलियन रुपीज़ की या फिर अराउंड $44.6 बिलियन की हैं, वो अब उसको 26% कम कर देंगे इस साल। ओके, इसके अलावा गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी इंडिया की फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज हैं वो 1/8 ऑफ इंडिया का टोटल बजट जो है उसके पार्ट है। ओके, मतलब कि अगर हमारा 8 पार्ट्स का बजट है तो उसमें एक पार्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज में जाता है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ₹39.45 ट्रिलियन में है ये इसमें खर्च करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट इस पर आ जाते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स टू बजट अराउंड 2.3 ट्रिलियन रुपीज फॉर फूड सब्सिडीज इन द कमिंग फिस्कल कंपेयर्ड विद 2.7। तो पहले हमारा कितना चल रहा था, वो चल रहा है 2.7 ट्रिलियन रुपीज का, लेकिन अब गवर्नमेंट उसको 2.3 ट्रिलियन रुपीज करना चाह रही है। चलिए इसके अलावा अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात कर लेते हैं तो इट विल बी नाउ अब 1.4 ट्रिलियन रुपीज, और जो कि पहले जो था वो था हमारा 2.3 ट्रिलियन रुपीज। तो फर्टिलाइजर्स में हमारा ज्यादा हो रहा है जबकि फूड में हमारा थोड़ा कम हो रहा है। ओके, तो 0.4 ट्रिलियन यहाँ पर कम हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.9 के अराउंड कम हो रहा है, 1.1 सॉरी। हाँ, इसके अलावा हम नेक्स्ट रिपोर्ट पर आ जाते हैं। ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस आप एक लाइन में देख लीजिए कि जो हमारा इंडस्ट्रियल और वेयर हाउस स्पेस है वो हमारा, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, तो हमारा इंडस्ट्रियल एंड वेयर हाउस स्पेस जो है वो अभी 6% बढ़ गया है, उसको ऑक्यूपाई ज़्यादा कर लिया गया है, तो 46.3 मिलियन स्क्वायर फिट्स। तो ये एक रिपोर्ट है जो निकाला है सर्वेलियंस इंडिया ने। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये रिपोर्ट, बस आप इतना ही याद कर लीजिए। उन्होंने कुछ सिटीज़ को इंक्लूड किया है इसमें, 8 सिटीज़ ऐसे हैं, बस काफ़ी है। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी हमारा विंडफॉल टैक्स जो है क्रूड ऑयल पर उसे बढ़ा दिया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2100 रुपीज़ जो है पर टन के हिसाब से इसको बढ़ा दिया, जो पहले 1700 रुपीज़ हुआ करता था। ओके, इसके अलावा जो एक्सपोर्ट टैक्स हमारे डीजल पर लगता है ना, उसे ₹7.5 पर लीटर के हिसाब से बढ़ा दिया है। अब 7.5 लीटर होगा, 7.5 पर लीटर होगा, लेकिन अभी इससे पहले कितना होता था, सिर्फ ₹5 हुआ करता था। ओके, इसके अलावा जो हमारा एविएशन टर्बाइन फ्यूल है उस पर विंड टैक्स जो है वो 4.5 रुपीज़ पर लीटर बढ़ चुका है, और ये पहले कितना होता था, ₹1.5 होता था बस। अच्छा, आपको पता है विंडफॉल टैक्स क्या है? विंडफॉल, अगर मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री है जो सडन गेन्स कर रही है, ओके, तो उस टाइम पर कुछ गवर्नमेंट्स जो होती है ना वो टैक्सेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। वो टैक्सेस को क्यों बढ़ा देती हैं? ताकि उनके जो गेन है उससे थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी फायदा हो जाए। ओके, तो इस तरह से ऐसे काफ़ी सारी कंट्रीज करती हैं, तो इंडिया ने भी इस बार इस तरह से कुछ किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर और इम्पोर्टर ऑफ ऑयल है, ठीक है, जो कि रशिया क्रूड बैरल्स जो है वो खरीदता है बिलो $60 प्राइस कैप। चलिए इसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी शुगर आउटपुट से रिलेटेड। तो आपको पता होगा इस्मा एक वो है बॉडी है जो कि हमें शुगर का जितना भी आउटपुट रहता है ना उसका हर 3 मंथ्स में डेटा देती है। ये यूजुअली जो क्वेश्चन है ये इस तरह के क्वेश्चंस ना नबार्ड के एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो हम देख लेते हैं उसको। तो कंट्री का जो शुगर प्रोडक्शन है वो हमारा बढ़ गया है 3.69% से, और अभी हो गया है 12.7 मिलियन टन्स, जो कि 3 महीने हमने लिए हैं, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर के क्वार्टर के। चलिए अभी बाकी आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में और जो डेटा लिखा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, इंडियन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो वीक ग्लोबल डिमांड की वजह से इफेक्ट होने वाले हैं, स्पेशली जो इसमें मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात है उसके लिए बोला गया है यहाँ पर। तो इंडिया विल पे US$270 बिलियन इन इम्पोर्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड कोल, जो कि 40% ऑफ टोटल मर्चेंडाइज इम्पोर्ट बिल है। ओके, तो हमें कितना ज़्यादा इसको पे करना पड़ेगा। बेसिकली आपको पता ही है कि ऑयल प्राइसेस वगैरह जो हैं वो हमारे थोड़े से बढ़ गए हैं,
इसके अलावा इन्होंने बोला है कि इंडिया को अभी जो एक्सप्लोरेशन है लोकल ऑयल फील्ड्स का वो थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए, और इनका मानना है कि जो यूएस है वो इस तरह की ऑल्टरनेट सप्लाई चेन्स अपनी क्रिएट कर रहा है, लेकिन चाइना जो है वो धीरे धीरे इसमें सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा इसमें बोला गया है कि इंडिया को ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी अपने थोड़े ज़्यादा बढ़ा लेने चाहिए इस टाइम पर, उस कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट्स कर लेने चाहिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आप लोगों को पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए दो कंट्रीज हैं जिनके बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, तो वो दो कंट्रीज ना आपस में टैक्सेस कम कर देती हैं, सब्सिडीज बढ़ा देती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं, या फिर कुछ जो टैरिफ्स होते हैं ना उनको बिल्कुल कट कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना हमारा जितना भी ये है बिल है वो थोड़ा कम बैठेगा, या दोनों साइड से थोड़ा सा फायदा हो जाता है, प्रॉफिट्स हो जाते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट इस पर आ जाते हैं। नेक्स्ट में इन्होंने वही बोला है कि इंडियन मर्केंडाइज इम्पोर्ट्स जो हैं वो भी 725 बिलियन होने वाले हैं, जो कि पहले 21 में 573 थे। ओके तो अभी और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि इंडिया जो है वो हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट टर्नओवर जो है वो अचीव करने के लिए तैयार हो चुका है, और कुछ और भी इम्पोर्टेंट डेटा है सर्विस एक्सपोर्ट से रिलेटेड है इंडिया के। इसके अलावा कॉमर्स मिनिस्ट्री ने नवंबर 2022 में कुछ डेटा निकाला था, जिसमें इन्होंने बताया था कि जनवरी से लेकर नवंबर के बीच में इंडिया का जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है वो US$405 बिलियन हो चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कोल प्रोडक्शन के ऊपर। इसके बारे में हमने कल भी एक बार न्यूज़ में पढ़ा था। तो अभी इंडिया का जो कोल प्रोडक्शन है वो 16.39% बढ़ चुका है, और अभी 607.97 मिलियन टन्स जो है इंडिया की कैपेसिटी हो चुकी है। ओके और कल वाला भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि जो कोल मिनिस्ट्री है उसने मिनिस्ट्री मिनरल कंसेशन अमेंडमेंट रूल्स जो हैं उनको भी चेंज किया है, जिसमें उन्होंने क्या बोला है कि जो भी लेसी हैं वो अगर वो अपनी एंड इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स वो कर फुलफिल कर लेते हैं और उनके पास कोल्स बच जाते हैं, तो वो उस कोल का 50% पार्ट जो है उसको भी बेच सकते हैं। ओके टू सेल कोल लिग्नाइट अप टू 50% ऑफ द टोटल एक्सेस प्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रेवेन्यू इंडस्ट्री से रिलेटेड। इसमें इन्होंने बोला है कि ये 12-14% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होगा इनका रेवेन्यू, और 1.6 लाख करोड़ के अराउंड आ जाएगा फिस्कल ईयर 2024 में। ओके और ये किसने बताया है? ये बताया है क्राइजल ने। गाइस क्राइजल बैंकिंग एग्जाम्स में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक इंडस्ट्री वो है, माना जाता है, उसकी सारी रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, और ये एक रेटिंग एजेंसी भी है। ठीक है इसके अलावा एडवर्टीजमेंट रिवेन्यू का इन्होंने दिया है जो 55% बढ़ जाएगा, और 14% जो है वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी के विल ग्रो 14% गिवन इट्स स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद इकोनॉमिक एक्टिविटी। 55% हमारा बेसिकली एडवर्टीजमेंट का रिवेन्यू रहता है जो कि 14% बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है ये दो इंडस्ट्रीज हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ग्रैन्यूल्स और ग्रीनको, इन दोनों ने आपस में अभी एक एमओयू साइन किया है ताकि ये कोलैबोरेट करके एक ग्रीन मॉलिक्यूल सॉल्यूशन निकाल पाएं और इसका जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में कर पाएं। ओके इस कोलैबोरेशन के थ्रू ये लोग एक नया ऑर्गेनाइजेशन निकालेंगे, बनाएंगे एक फैक्ट्री जो कि काकीआंडा आंध्र प्रदेश में होगा। ओके तो ये किस इस पर बेस्ड होगा? ये होगा सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ की स्टार्टिंग मटेरियल्स इंटरमीडियरीज एपीआईज एंड फर्मेंटेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है बंधन बैंक ने अभी सौरव गांगुली जो कि क्रिकेटर हैं उनको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सौरव गांगुली जो थे वो बीसीसीआई के भी चेयरमैन की पोस्ट से भी रिजाइन किया उन्होंने कुछ टाइम। बीएस बैंक ने जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है, तो इन्होंने क्यों की है ये पार्टनरशिप? टू इम ट्रांसफॉर्म मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंस। तो आजकल मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है माई कंट्री में, लोग ज़्यादातर मोबाइल बैंकिंग ही प्रिफर करते हैं, तो फिर उसके लिए ही इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के जो एज्योर प्लेटफॉर्म है एक ही क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप्स का एक प्लेटफॉर्म रहता है जिसके थ्रू ये लोग एप्स जो है वो क्रिएट करेंगे और कस्टमर्स को बहुत सारी सर्विसेज लाइक ऑनलाइन पेमेंट शॉपिंग रिवॉर्ड्स ऑफर्स ये सब प्रोवाइड करेंगे। ओके इसके अलावा एक इसी तरह का पार्टनरशिप किया है HDFC बैंक ने भी जो कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया है। इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें ही आ जाती हैं
It will leverage Microsoft Azure to consolidate and modernize its enterprise data landscape through a federated data lake to scale its information management capabilities. जो भी इनकी information management capabilities हैं उनको बढ़ाने के लिए और जो भी data है इनके पास उससे analysis करने के लिए और artificial intelligence use करने के लिए. चलिए नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं. नेक्स्ट में है कि जितना भी NBFCs हमारी सर्विस सेक्टर में क्रेडिट्स देती हैं, जो भी लोन्स देती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं. ठीक है, तो उन्होंने एक डेटा निकाला है, नवंबर 18 के अराउंड में एक डेटा आया था. नवंबर 18 तक जो भी आउटसाइड स्टैंडिंग लोन्स थे सर्विस सेक्टर में, वो हमारे 33.15 ट्रिलियन रुपीज़ के अराउंड थे. और जो इंडस्ट्री है उसमें टोटल ये 32.94 ट्रिलियन के हैं. ओके, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें तो ये लोन्स का जो परसेंटेज है वो 21.3% से ये बढ़ा है. ओके, जो कि नवंबर 2022 में एज कम्पेयर टू 3.2% ईयर हो गया. तो अभी जो 21.3% लोन्स इन्होंने दिए हैं वो अगर एक साल पहले देखें तो वो बस कितने थे, 3.2% थे. इसके अलावा और कुछ डेटा है, क्रेडिट ग्रोथ टू इंडस्ट्री एक्सेलरेटेड बाय 13.1% ईयर ऑन ईयर लास्ट नवंबर फ्रॉम 3.4% इन नवंबर 2021. विद इन द सेक्टर क्रेडिट टू एनबीएफसीज ग्रू बाय 33% ईयर ऑन ईयर इन नवंबर 2022. ओके, इसके अलावा कंट्री में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, SBI. और SBI ने अभी 10,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो रेस करने के लिए बोला है वाया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स. इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स आप समझ ही सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो बॉन्ड्स हैं. ठीक है, तो इसे कितना रुपीज़ रेस करने के लिए बोल रहा है SBI ने, ये बोला है 10,000 करोड़ रुपीज़. ओके, सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर. हमारे गोल्डन थ्योरम चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए. अगर आप कुछ और भी इनिशिएटिव्स हमारे थ्रू जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू सो मच.